मेरे भारत वालों, पूरे विश्व के लोगों, ध्यान से सुनो। अगर आप सुबह और शाम दिन में 21-21 बार और जिस दिन टाइम मिले उस दिन 108 बार अगर गायत्री मंत्र का पाठ कर लो तो आप सोच भी नहीं सकते दिमागी रूप से आप कितने सक्षम हो जाओगे। ध्यान से देखें इस वीडियो को। पुराणों में गायत्री मंत्र को बल और तेज को बढ़ाने वाला बताया गया है। यही बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपनी रिसर्च में कही है। माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण दिमाग को शांत करता है और ये शांति बेवजह नहीं है। एम्स के साइंटिस्ट्स ने ये साबित किया कि गायत्री मंत्र जादुई दवा की तरह काम करता है। रिसर्च के मुताबिक अगर नियम बनाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ये दिमाग की चेतना को सीमाओं से परे ले जाकर जगा सकता है। अगर मैं कोई भी ऐसा एक्शन करता हूँ जिससे मेरे शरीर में सिंपथेटिक एक्टिविटी कम हो जाए और पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कि मेरी दिल की धड़कन कम हो जाए, मेरा रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाए, मेरा स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो मैं हीलिंग मोड में चला जाता हूँ। मैं आई गेट कनेक्टेड टू माई कॉन्शियसनेस, उससे मेरे शरीर के अंदर में जो दवाई मांगूंगा मैं वो पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड पैरासिंपथेटिक स्टेट ऑफ माइंड। और अगर मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाऊँ कि मैं टाइम भूल जाऊँ कि मेरे पास मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं चौथी स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता हूँ, जिसे शास्त्रों में तुरिया स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। एम्स के साइंटिस्ट और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर ने मिलकर 9 महीने के वक्त में इस रिसर्च को तैयार किया था। मंत्रों के द्वारा बौद्धिक क्षमता का विस्तार मनोवैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय है। तो ब्रेन में एक हिस्सा है फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें खासतौर से ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें कि इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रेन, यानी कि मैंने जो प्लान किया, मैंने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, मैंने क्या फैसले लेने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे मेरे कैरियर को लेके हों, वो सब ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। तो अक्सर जब भी हम कोई भी ये लाइफस्टाइल चेंज जो हेल्दी वाली होती हैं, चाहे योगा की हो, मेडिटेशन की हो, चैंटिंग की हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, बहुत लोगों के लिए अलग तरह के मंत्र होते हैं, सब में एक देखा गया है कि ब्लड सप्लाई कुछ पर्टिकुलर एरियाज में बढ़ती है, जो उस वजह से ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि जैसे जैसे ब्लड सप्लाई हमारी बढ़ती है, न्यूरॉन्स थोड़े उनके ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और वो नए नए ब्रांचेस बनाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे गायत्री मंत्र हमारे दिमाग के सभी द्वार खोल देता है, अवचेतन मन को जागृत कर देता है। अगर आपने रोजाना गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दिया तो सोचिए आपके चक्र कितनी जल्दी बैलेंस होंगे, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होगा, आपकी सिक्स सेंस इंप्रूव हो जाएगी। और सारे भारतीयों को इस टाइम दिमागी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी अपील है गायत्री मंत्र के उपचार की इस वीडियो को और इसके फायदों की इस वीडियो को पूरे देश में हर मोबाइल में पहुंचा दें।